हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओजी भाई नैव सिंह संगेर हो गया आपके सामने हाजिर बातें शाते करने के लिए। एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आज मंडे शुरू हो गया जी, ठीक है, और नया वीक शुरू हो गया है। और वीक के साथ आपको पता है भाई एक नई उम्मीद भी आती है। हमें उम्मीद होती है कि भाई इस वीक कोई और धमाका होगा। धमाका तो भाई होना ही है, क्योंकि 30th of April नजदीक आने वाली है। सबकी बड़ी निगाहें भाई उसी पर्टिकुलर डेट पे टिकी हुई हैं कि भाई क्या होगा स्टूडेंट्स का, कैसे ये प्लान करेंगे। लेकिन यार एक चीज तो भाई मानने वाली है, खबर अभी तक कोई नहीं उड़ी। वो सब रिमर्स चलो ठीक है भाई चल रहे हैं कि 30 hours पर वीक हो जाएगा, बट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे हमें थोड़ा सा भाई कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है जी। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, भाई वर्क परमिट एप्लीकेंट्स के लिए जो इंडिया से इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या एक हफ्ते बाद आएगा या दो हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, दो महीने बाद आएगा। लोग 6-6, 7-7 महीनों से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, क्योंकि भाई वो बेचारे सोच सोच के परेशान हो गए। उनको कहीं से ना तो रिप्लाई मिल रहा, ना कोई सुनवाई हो रही उनकी अनफॉर्चुनेटली। और फिर उन्होंने सोचा भी इससे अच्छा है, हमारे में और पेशेंस नहीं है, इससे अच्छा है कि भाई हम शांत होकर बैठ जाएं, देखें देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक उम्मीद मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंस्पायर करने की कोशिश करूंगा। कैसे, एक स्टोरी सुनाता हूं भाई, ठीक है जी। स्टोरी है जी एक वर्क परमिट एप्लीकेंट की, जिन्होंने इंडिया से ही अप्लाई किया कनाडा के वर्क परमिट के लिए। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको आज की डेट का बता देता हूं। करंट प्रोसेसिंग टाइम है कि अगर इंडिया से या पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो कनाडा के वर्क परमिट के लिए, इंडिया से आप अप्लाई करते हो, वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम है जी 20 हफ्ते का। 20 हफ्ते लाइक ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, ठीक है जी। वहीं पे पाकिस्तान की बात करता हूं, 41 वीक्स, ठीक है जी। तो लो जी भाई स्टोरी पे आते हैं। मान लो भाई नाम मैं चेंज कर रहा हूं गाइस, ठीक है। मान लो एक राहुल नाम का लड़का है जी, ठीक है, उसने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया जी। अब देखो जी, उन्होंने पहले दो बार फाइल अप्लाई हुई है। पहले हुआ था जी 13 जुलाई को उन्होंने फाइल लॉन्च कर दी। बिलो जी भाई, ठीक है जी, 13 जुलाई को हमने फाइल लॉन्च कर दी है और जी देखा जाएगा वर्क परमिट आता है नहीं आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलो बायोमेट्रिक भी होगी उनकी 19 जुलाई तक हो गई, लेकिन सितंबर 2022 को उनका भाई रिजेक्शन आ गया। 22 सितंबर को रिजेक्शन आ गया। स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, क्या होगा अब क्या होगा, पैसा इतना लग गया, टाइम इतना लगा दिया, बना कुछ है नहीं, परेशानी वही भाई नेगेटिविटी, ठीक है ना, होती है भाई चीजें हर किसी के साथ होती हैं। तो लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने दोबारा अप्लाई कर दिया, रीअप्लाई किया जी उन्होंने 1 दिसंबर 2023 को। 1 दिसंबर 2023 को फाइल रीअप्लाई की और भाई 26 मार्च को ऑलमोस्ट 4 महीने बाद उनका भाई मेडिकल अपडेट हो गया जी, ठीक है जी। मेडिकल हो गया जी, रिसीव मेडिकल। उसके बाद भाई 12 अप्रैल को उनको पीपीआर आ गई। अरे वाह जी वाह भाई, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यस, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, बधाई हो जी आपको बहुत बहुत। तो भाई जस्ट इमेजिन, 1 दिसंबर 2023 को दोबारा से अप्लाई हुआ जी, एप्लीकेशन दोबारा से लगाई उन्होंने, ठीक है। और 26 मार्च को भाई मेडिकल रिसीव हुआ जी, मेडिकल का रिक्वेस्ट आया और भाई 12 अप्रैल को आपको पीपीआर आ गई। वाह जी वाह। देखो गाइस, अल्टीमेटली कहने का मतलब वो ही है कि भाई साढ़े चार पांच महीने का प्रोसेसिंग टाइम है जो मैंने कहा। तो भाई ये सक्सेस स्टोरीज होती हैं, ये वो चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए भाई एक उम्मीद जगा के रखती है कि नहीं भाई आ रहे हैं रिजल्ट। और भाई वाकई आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर की थी, उसमें भी भाई ज्यादा टाइम नहीं लगा था, अच्छे टाइम पे और विद इन प्रोसेसिंग टाइम ही
रिप्लाई आ गया था, रिजल्ट आ गया था, और ये भी भाई हमारा एक अलग केस है, तो थोड़ा उम्मीद रखा करो आप, ठीक है। बस आपका काम मेजर ये है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो भाई ये था जी, आई होप भाई आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आई होगी इस सक्सेस स्टोरी से, एंड आपको थोड़ा सा और सीखने को भी मिला होगा कुछ ना कुछ। बाकी भाई और अपडेट्स के लिए चैनल को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है जी, क्योंकि और बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है भाई, ये हफ्ता तगड़ा होने वाला है मैं बता रहा हूं। तो जैसी कोई अपडेट आती है, नैम सिंह संगेर का काम ये है आप लोगों के पास पहुंचाना, और वो हम पहुंचा देंगे, ठीक है। चलो भाई, सी नेक्स्ट टाइम, ग्रेट टॉपिक एंड डिस्कशन, टिल देन स्टे सेफ, अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।